please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था इम्पीरिया बिल्डर के बारे में और दिखाया था इम्पीरिया बिल्डर से परेशान बायर्स को। इसके बारे में जब हमने आगे रिसर्च करी तो हमारी मुलाकात हुई नितिन सक्सेना जी से, जो एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट है। नितिन सक्सेना जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं नितिन सक्सेना कंज्यूमर राइट्स के ऊपर पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ और आई गॉट ए नेशनल अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बिल आया है, ये मैं कहूँगा कि मेरे काफ़ी प्रयासों के द्वारा आया है। मुझे इम्पीरिया के बारे में और बताइए। इम्पीरिया ने अपना प्रोजेक्ट 2012 में कंस्ट्रक्शन शुरू करा था, सॉफ्ट लॉन्च उन्होंने 2010 में कर दिया था। तो मुझे पता चला कि ये शुरू से इलीगली काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, तो उसको आप डिटेल्स में बताइए कि कैसे क्या हो रहा था। इम्पीरिया बिल्डर ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था जिसको मैंने ये सोचा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको इनके साथ इंटरव्यू किया है और जिसमें बड़ी तारीफ़ों के पुल बंधे हुए थे। टाइम्स प्रॉपर्टी में फ्रंट पेज पर था जिसमें बत्रा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो इमीडिएटली मैंने टाइम्स प्रॉपर्टी के एडिटर को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह का अगर एडवर्टाइजमेंट इन दागी बिल्डरों का लग रहा है मेरे हिसाब से तो ये कंज्यूमर्स के हितों में नहीं है, क्योंकि एक नेशनल पेपर अगर इस तरह से हाईलाइट कर रहा है तो कंज्यूमर ट्रैप हो ही जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नितिन जी आप ज़रा उसको गौर से पढ़ो, और बड़े बारीक अक्षर में नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट। तब मैंने दोबारा से पेपर पढ़ा, तब मुझे मालूम पड़ा कि एक ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि 10 लाख के ऊपर उन्होंने खर्च किए, अपनी की फ़ोटो लगाई और उसमें कई लुभावने वादे किए थे कंज्यूमर्स के साथ कि इसमें हर फ्लैट कॉर्नर का है, हम कंज्यूमर से PLC नहीं लेंगे, हम टॉप क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम विद इन द टाइम और या बिफोर द टाइम फ्लैट का पैसा दे देंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसके कंज्यूमर्स भी लकीली मेरे पास ही आए और उन्होंने मेरे को बताया कि नितिन जी हम इस प्रोजेक्ट में फंस गए हैं, आप हमें किसी तरह से इसमें बचाइए, क्योंकि बिल्डर ने तो फोरफीट ही कर लिया हमारा पैसा। तो मैंने उसको देखा, मैंने बिल्डर को नोटिस दिया, बिल्डर के यहाँ से नॉर्मली कोई जवाब नहीं आता था, मेरे पास उस बिल्डर का भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने इसका डिस्ट्रिक्ट फोरम दिल्ली के में केस फाइल किया। क्लियरेंस लेने से और सर्टिफिकेट लेने से और बाकी सारी चीज़ें जो लीगल प्रोसीजर होता है उससे बचने के लिए बिल्डर प्राइवेट बैंकों का सहारा ले लेते हैं और शुरू में और इनसे मिली भगत कर लेते हैं और उससे फिर एक कंज्यूमरों को अपने बायर्स को लूटते हैं। इसमें बताइए आप मुझे बिल्डर के बारे में बताइए, जो हमारे इम्पीरियल बिल्डर हैं, इन्होंने जब आगे फिर अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करा तो फिर आगे कैसे चीज़ें बढ़ी और उसमें आपको क्या क्या पता चला? देखिए, उन कंज्यूमर्स के साथ उन्होंने वही ठगी करी जो नॉर्मली और दागदार बिल्डर्स करते हैं। इम्पीरिया ने भी वही चीज़ किया कि बिल्डर्स को कंज्यूमर्स को बिल्डर ने नोटिसेस भेजे कि आप आगे की इंस्टॉलमेंट दो, जबकि कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ग्राउंड वर्क कुछ नहीं था। 10% लेने के बाद फिर 20% का भेज दिया, 20% के बाद फिर दोबारा से 25% का भेज दिया। और जब कंज्यूमर वहाँ जाता था प्रोजेक्ट पर, वहाँ बिल्कुल एक खाली मैदान सा दिखता था, सिर्फ एक साइन बोर्ड रहता था। और फिर उसके बाद 25% के बाद जब पैसा इतना हो गया तो कहते हैं जी आपने इतना पैसा नहीं दिया है, अब हम आपका फ्लैट ये यूनिट है ये कैंसिल कर देते हैं और जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो दिया है वो सारा फोरफिट हो गया, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली लिखी होती हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हो पेमेंट से तो आपको 18% लिखता है कोई बिल्डर, कोई 24% लिखता है। इम्पीरिया ने 18% लिखा हुआ था कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो हम 18% के हिसाब से पर ब्याज लगाते रहेंगे और एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर अगर वो 18% के बाद भी अगर आपने इतने दिन तक और नहीं दिया तो हम आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका फोरफिट कर लेंगे, बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का भी जो पोर्शन हमने जो लगाया हुआ वो भी आपको देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने उनको ये बताया, डिस्ट्रिक्ट जज को, जो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड जज होते हैं उसके प्रेसिडेंट, कि इस तरह से कंज्यूमर्स के साथ चीट हुआ है, कंज्यूमर्स इनका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं था, सिर्फ एक प्राइवेट बैंक से ही था, सरकारी बैंक से नहीं था, इनके कोई इम्पीरिया का प्रोजेक्ट भी अप्रूव नहीं था गवर्नमेंट। फिर उन्होंने हमको बोला कि कोई एविडेंस दीजिए नितिन जी, इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होगा। आप एविडेंस के रूप में फिर क्या लाए? फिर हम एविडेंस के रूप में हमने एक RTI फाइल करी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ, DTP के यहाँ गुड़गांव में, हरियाणा में। फिर उनसे पूछा गया कि ये प्रोजेक्ट हम आपका अप्रूव्ड है क्या,
तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जवाब दिया कि ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है, ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, कुछ भी इन्होंने अप्रूवल जो मैंडेटरी जो स्टेचुटरी बॉडी से जो जो भी इनको लाइसेंसेज लेने होते हैं वो सब नहीं, कोई भी लाइसेंस नहीं लिए थे। और इम्पीरिया बिल्डर का उस टाइम प्रोजेक्ट में फ्लैट बेच रहा था, फ्लैट की वो इंस्टॉलमेंट्स लगातार वो लिए जा रहा था कंज्यूमर से, और जो कंज्यूमर दे देता था तो उसको ठीक है, जो नहीं देता था तो उसको, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अप कंडीशन में थी उस समय, मार्केट तेज़ चल रही थी रियल एस्टेट की, वो उसका एडवांटेज उठा रहा था और 10% अप उसका कंज्यूमर का पैसा फोरफीट करके वापस उसके कंज्यूमर के घर चेक भेज देता पड़ेगा। तो एविडेंस के तौर पर मैंने जब वो RTI का जो मेरे को रिप्लाई मिला, मैंने वो रिप्लाई की कॉपी लगाई, तब जब जज साहब ने उसको देखा तब उन्होंने कहा कि हाँ इसमें तो बिल्डर पूरा ही दोषी है, और उन्होंने बिल्डर को डायरेक्शन दिया है कि आपने जो जो फ्लैट कैंसिल किए हैं इसको रिस्टोर किया। ये इम्पीरिया बिल्डर को दिए गए थे आदेश? ये इम्पीरिया बिल्डर को, जो 20-25 कंज्यूमर्स मेरे साथ थे उन सभी के मैटर्स में ये आदेश दिए गए थे कि आप ये सारे जो फ्लैट कैंसिल किए हैं इसको रिस्टोर करें, और जो आपने इंटरेस्ट लगाया है वो इंटरेस्ट आप वेव ऑफ करें, हैं, और एक इस तरह से MOU बनाएं जिससे कि कंज्यूमर का किसी तरह से हानि ना हो। परंतु 2012 के बाद अब 2017 आ गया है, वही इम्पीरिया बिल्डर के दोबारा से वही कंज्यूमर्स मेरे पास आए, कहते हैं कि हमने नितिन जी उस टाइम में तो यही सोच के इसको पैसा दे दिया था कि ये बिल्डर ठीक ठाक काम करेगा, इसने हमारा फ्लैट भी रिस्टोर कर दिया था, जो इंटरेस्ट लगाया था वो भी वेव ऑफ कर दिए थे, हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ इनको इंस्टॉलमेंट पूरी अपनी दी और करीब करीब 90-95% हम इनको पेमेंट कर दिया है, पर वहाँ देखते हैं तो कि वहाँ पर अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, जो सराउंडिंग एरियाज़ है वो भी सब पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, फ्लैट के इंटीरियर्स भी कुछ भी नहीं हुए, ऐसा नहीं लगता कि 1-2-3 साल में ये फ्लैट हमें अभी भी कंप्लीट करके देगा, आप इसके लिए प्लीज़ हमारे को है ना इसमें हमें न्याय दिलाइए। कुछ कंज्यूमर्स ने कहा कि हमें तो रिफंड चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें डिले का कंपनसेशन चाहिए। मुझे इसमें आप बायबैक के बारे में बताइए, बायबैक स्कीम से जुड़े हुए कुछ कंज्यूमर्स से, कुछ इसके बाहर से हम मिले थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 2015 में 2016 में अपने पैसे लगाए थे और उन्हें बिल्डर ने वादा करा था कि 2018 की स्टार्टिंग में उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, और उनके नाम पे लोन हुआ था, फ्लैट का लोन हुआ था, EMI बिल्डर ने कहा था कि मैं भरूंगा, लेकिन जो EMI थी वो भी बिल्डर ने आधी भरी, उसके बाद कुछ EMI के लिए इसने कहा कि आप भर दीजिए और जो इसके पैसे होंगे वो आपको दे दूंगा, क्योंकि ये रूल्स है कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपको अपने अकाउंट से देनी पड़ेगी। जो बायर्स थे वो भोले तो उन्होंने भर दिए, 2-3 EMI भर दी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उसके पैसे नहीं मिले, और जब फिर उन्हें अगली EMI भरने से मना करा तो उसके लिए फिर उन्हें प्रेशराइज़ करा गया कि भरो भरो नहीं तो पैसे ले लेंगे, तुम्हारे फ्लैट कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हुई। तो मुझे बायबैक स्कीम के बारे में बात आप बताइए कि ये कहाँ तक लीगल है और ये क्यों कर रहे हैं बिल्डर और इसका क्या है? देखिए, जितने भी SEBI की गाइडलाइंस है, जो भी लिस्टेड बिल्डर्स हैं वो तो इस तरह की स्कीम्स कर नहीं सकते, परंतु वो भी कर रहे हैं, जो लिस्टेड बिल्डर्स नहीं हैं वो भी कर रहे हैं, चाहे वो बायबैक स्कीम हो चाहे फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हो, बिल्डर्स फिक्स डिपॉजिट्स ले रहे हैं, वो भी इलीगल है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कोई नहीं कहा कि ये आप फिक्स डिपॉजिट्स ले सकते हैं, आप NBFCs के अंदर आते हैं, कहीं किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है बिल्डर्स के पास। और जहाँ तक कि बायबैक की स्कीम है, ये भी बिल्कुल इलीगल है, किसी तरह से बिल्डर कोई बायबैक नहीं कर सकता किसी भी तरह की, ये सब लुभावने वादे हैं, जो जिस तरह के वादे बिल्डर्स लगातार एडवर्टाइजमेंट्स में कंज्यूमर्स को झूठ झूठ बोलकर कि हम PLC नहीं लेंगे, फिर देखते हैं कि वही PLC के चार्जेस लगा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, 3 साल के अंदर डिलीवरी देंगे, पोजीशन देंगे, वो भी नहीं देते, तो ये बायबैक का भी इसी तरह का लुभावना है, एक तरह का जुमला है यूँ कहूँगा मैं, कि आपको वो दे दिया, पकड़ा दिया कि आपको हम इस रेट पर, आपको रेट की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो NF साइन करो जी और आपको इतना प्रॉफिट हम दे देंगे। इस बिल्डर ने तो कम से कम ये किया है कि जी आपके नाम से इसने फ्लैट का अलॉटमेंट किया है और बायबैक का बोला है। अब मुझे आप इम्पीरिया बिल्डर के बारे में और बताइए, इसने जैसे बताया था कि 2018 के जनवरी तक मैं बायबैक कर दूंगा, तो इसमें यह भी एक मतलब हो गया कि 2018 की जनवरी तक ये अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे तभी बायबैक कर पाएंगे, तो इसमें आप बताइए कि अभी क्या पोजीशन चल रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है इनकी? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इम्पीरिया के खिलाफ नेशनल कमीशन में भी लड़ रहे हैं, स्टेट में भी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी लड़ रहे हैं। इनकी ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ख़राब है, दयनीय है, इनकी क्या सारे ही बिल्डरों की बहुत दयनीय है, ये बायबैक कभी नहीं करेंगे, कभी कंज्यूमर का पैसा वापस नहीं देंगे, ये
मार्केट अगर बढ़ जाएगी तो वही कंज्यूमर का बोनस है, कंज्यूमर को ही पैसे देने पड़ेंगे उसी पर। नहीं तो कंज्यूमर के पास एक ही रास्ता है कि 2015 की बुकिंग की थी, उसमें भी 2018 तक का हमें बोला था कि मकान बना के दे देंगे, 2018 तक इनको रुकना पड़ेगा, 2015 से लेकर 18 तक 3 साल में भी अगर इन्होंने मकान नहीं बनाया तब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर फोरम का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अभी तो बिल्डर सीधा ये जवाब दे देगा, 2015 की बुकिंग थी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट देख लीजिए माय लॉर्ड, इसमें तो 38 महीने 36 महीने से ये पहले ही आ गए, ये कंज्यूमर ही नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो ये कैसे मेरे खिलाफ़ एक दायर कर सकते हैं मामला। तो कंज्यूमर जो एक्टिविस्ट है या जो कंज्यूमर लॉयर है हमारी तरह से, वो भी हेल्पलेस होगा, क्योंकि 36 महीने जब तक कंप्लीट नहीं होंगे या कोई और ग्राउंड रियल्टीज़ नहीं दिखी जाएंगी तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड रियल्टीज़ थोड़े से बिल्डर के फेवर में यूँ हैं आज की डेट में, 2015 की जो बुकिंग थी उस हिसाब से स्ट्रक्चर इनका बन चुका है, फिनिशिंग ही रह गई है। तो फिनिशिंग के लिए अगर स्ट्रक्चर नहीं बना होता, ग्राउंड रियल्टीज़ में ज़ीरो होता, तो हम कह सकते थे कि 2015 के बाद 2017-18 आ गया जी, कुछ भी नहीं बना, और बिल्डर वैसे ही खाम खा पैसे मांगे जा रहा है और हम फालतू में ईएमआई दिए जा रहे हैं। तो ये सब बिल्डर की चीटिंग है, लूट है, वो चीज़ भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, 2015 की जो इसने बाय बैक स्कीम अभी कर रखी है। और सिविल केस में एक मामला ज़रूर दायर कर सकते हैं कि हमको ये झूठ बोला गया, और पुलिस कंप्लेंट भी इनकी बन सकती है कि हमसे झूठ बोला गया कि इस तरह से, परंतु वहाँ भी कितना न्याय मिलता है, वहाँ भी बहुत वो टाइम देखने लगता है, वाली वो बात बहुत है। देखने वाली बात है। एक सस्ता प्रिय न्याय था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर इनको अभी न्याय नहीं मिलेगा, 2018 के बाद ही 2018 के बाद ये कोई एक्शन उसमें ले ले सकते। सकते हैं। शुक्रिया नितिन जी आपका हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। कंज्यूमर एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना जी थे हमारे साथ, इन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डरों से अपनी लड़ाई लड़ी थी और उनके खिलाफ केस जीते भी थे। तो इन्होंने हमें मोटी बात ये बताई कि ये जो बिल्डर लुभावने वादे करते हैं बाय बैक के और भी कई सारे वादे करते हैं जिसमें वो ऐसा दिखाते हैं कि इसमें कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बायर्स अपने प्रॉफिट में ही हैं, इसमें उन्हें कहीं से भी घाटा नहीं हो रहा, और लुभावने वादे कम समय में ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपके साथ खेल रहे होते हैं, आपको ग्रांटर बना के आपके ऊपर लोन ले लेते हैं, 70 लाख 80 लाख के लोन, जिसे वो फिर चुकाते नहीं हैं। जैसे अभी इम्पीरियल बिल्डर ने कई लोगों को फंसा रखा है, आम्रपाली ने कई लोगों को फंसा रखा है। रियल्टी मीडिया के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।